तो सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ अपना करियर ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ प्लान किया होगा या 12th हो जाएगी तो 12th के बाद हम लोग क्या करें सोचा होगा सभी लोगों ने दिमाग में ना, तो सबने सोचा हुआ है कि हमें क्या करना है, तो हम लोग एक एक करके बड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्लान किया दिमाग में क्या क्या। CS सिविल सर्विसेज DBA। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये डिसीजन बहुत जरूरी है। पहले आगे क्या करना है कैसे करना है वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि आप एक पहले डिसीजन लो, क्योंकि होता क्या है सर 12th करने के बाद 12th हो गई फिर हम क्या करते हैं, हमारा कोई डिसीजन तो है नहीं, फिर हम सबसे पूछते हैं भैया बताओ क्या करना है, सिस्टर बताओ क्या करना है, अंकल होते हैं ना कोई दूर के अंकल, बहुत पढ़े लिखे अंकल होते हैं है ना, मौसाजी टाइप और ऐसे टाइप ऐसे टाइप, उनसे भी डिस्कस करते हैं, पापा कहते हैं उनसे बात करो बहुत पढ़े लिखे हैं और ये वो है, उनसे भी डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है ना, वो हमें क्या बता रहे हैं जो आज आसपास चल रहा है, जो फेमस है या आज के सिनेरियो में लोग ज्यादा कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये पहला पॉइंट है। हमारा इंटरेस्ट क्या है हमें वो करना है, क्योंकि हमेशा जो आप इंटरेस्ट की चीजें करोगे वो आपको हमेशा बहुत आसानी से आगे देते हैं, है ना। तो सबसे पहले डिसाइड करो, सभी लोग अपना करियर ओरिएंटेशन करो, हमको करना क्या है डिसाइड करना है। तो जहां तक मुझे लग रहा है सीए और सीएस है, तो सीए सीएस के बारे में कुछ लोग मेनली डिस्कस करने वाले थे। सबसे पहले आपको करियर डिसाइड कर देना है अपना क्या क्या करना है, और डिसाइड करने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे उसके लिए हम एक छोटी सी स्टोरी देंगे, है ना। वो स्टोरी को ध्यान से सब लोग देखना अच्छे से। तो ये स्टोरी है ग्रेस की, छोटे छोटे किसमें तो रेस लगा रहे लोग, है ना, दिख रहा है ना रेस लगा रहे, तो रेस लगा के कहां जा रहे हैं, उस टावर में। सब में रेस लगी कि भाई हमको टावर में पहुंचना है, और सब दौड़ रहे हैं खूब तेजी से दौड़ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग एज एन ऑडियंस उनको चेयर भी कर रहे हैं, है ना, चेयर करने लोग आते हैं ना, तो रेस लगते लोग चेयर करते हैं, जैसे हम लोग चेयर करते हैं आपको, आपका अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो हम लोग चेयर करते हैं, यहाँ बेटा आपने अच्छा किया है, अच्छे मार्क्स आए, यहाँ पापा बताएंगे, और बुरा आता है वो भी चेयर करते हैं, पापा बताएंगे बेटा कितने नंबर आए। तो रेस स्टार्ट हो जाती है, सब लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, नो वन क्राउड रियली रिग्रेट क्या कि कोई भी पहुंच पाएगा, किसी को भरोसा नहीं था, छोटे छोटे फ्रॉग है, इतना बड़ा टावर है, कौन पहुंचेगा, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। फिर भी वो टावर की तरफ चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, क्या होता है आगे, लोग कहना शुरू कर देते हैं ओ वे टू डिफिकल्ट, दे विल नेवर मेक इट टू टॉप, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि ये लोग पहुंच जाए, क्योंकि ये लोग बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। आगे बढ़ती है रेस, कंटिन्यू चलती है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या होता है, हाँ मतलब वही सबके दिमाग वही चलता है कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत हाई टावर है, बड़ा टावर है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या होना शुरू होता है, फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। क्या प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, फ्रॉक्स कोलैप्स करना शुरू हो जाते हैं, कोलैप्स मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, कोई वहीं छोड़ देता है रेस वो, और वहां पे क्या होता है पोजिशन क्या बनती है, एक्सेप्ट दोस्त विन द फर्स्ट टेम्पो ओवर क्लाइंबिंग हायर ना है, कुछ बड़े रहते हैं टेम्पो में बैठिए, चलो डन करते हैं, कोशिश करते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अरे बहुत इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे, फिर क्या होता है, और टायर्ड होते हैं, और गिव अप करते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, बट वन कंटिन्यूड हायर एंड हायर एंड हायर, एक चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, क्या होता है, दिस वन नॉट गिव अप, वो नहीं करता, छोड़ो, चलना है, चलता जाता है, चलता जाता है, क्या होता है फिर आगे, एंड द एंड एवरीवन एल्स हैड गिवन द क्लाइंब द टावर, नेक्स्ट एक्सेप्ट फॉर वन टाइम ब्रो, एक बचा। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि वही क्यों बचा, वही क्यों पहुंचा, और बाकी सब जब बिल्कुल कलेक्स हो चुके हैं, बाकी सब टायर्ड हो चुके हैं, वही अकेला क्यों पहुंचा, देखते हैं क्या है, क्या है रीजन, सेंटर बिलो वॉज कुछ वो बहरा था, वो सुन नहीं रहा किसी की, जब आदमी किसी की नहीं सुनता ना, तो जो उसने डिसाइड किया है वो 101% वो करके दिखाता है, रीजन समझ आया। हम सब सोचते हैं, हम सब डिसाइड करते हैं कि यार ये करेंगे, बट हम लोगों में से हमारे आसपास के लोगों की जो बातें हमारे बारे में कह रहे हैं, हमारे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, अगर उसे सुनना बंद कर देंगे ना, तो हम 100% उस गोल तक पहुंचेंगे जो हमने डिसाइड किया। अक्सर क्या होता है, हम लोगों से कई अपने करियर में डिसाइड कर देते हैं, यार हमको सीए करना है, हमको सीएस करना है, हमको एमबीए करना है, तो एमबीए करने के बाद क्या होता है, हम लोगों से डिस्कस करते हैं, बताते हैं कैसे हमको ये करना है,
फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, क्या कहते हैं अपनी भी बात बताना शुरू कर दी, मैंने किया था, मेरे साथ ये हो गया था, फिर ऐसे हो गया था, फिर वैसे हो गया। अगर आप यही सुनते रहोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना है कि जो करियर ऑब्जेक्टिव आपका है उसके बारे में आपको किसी और से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन लोगों से सुनिए जो उस फील्ड में कुछ अचीव कर पाए। हम अगर किसी ऐसे बंदे से पूछ रहे हैं जो सीए में शायद फेल हो गया, सीएस में शायद फेल हो गया, एमबीए कर लिया बट उसकी नौकरी नहीं लगी, और हम उससे पूछे तेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, कुछ मत पूछा है, एमबीए सब बेकार है, कुछ नहीं होता इन सब करने में, हम देखो हमें देख लो हमने कर ली, क्या कर दिया हमने, कुछ नहीं कर दिया, लगता बैठे। पॉइंट ये नहीं, आप उससे पूछो जिसने कुछ अच्छी जॉब अचीव की हो, जो शायद अब्रॉड गया हो, विजिट किया हो, उससे आप एक बार डिस्कस करना जाके यार आपने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद आप इतनी सारी विजिट्स पे जाते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते हो, क्यों घूमते हो, बताओ कैसे क्या होगा, तो वो आपको बताएगा ना सही बात क्या है। हमेशा एक कहानी है कि आप कुएं में खड़े और गिरे नीचे, बाहर आने के लिए आप किसका हाथ पकड़ोगे, जो आपके साथ नीचे गिरा हुआ है कुएं में, लेकिन बाहर उस कुएं से निकल के पहुंचना है, किसका हाथ पकड़ोगे, वो तो नीचे वाला तो वैसे काम नीचे होगा, नीचे हुई मुझे कैसे मार जाए, पकड़ लीजिए उसकी काम। तो हमेशा अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए और डिसाइड करने के बाद क्या करना है उस बारे में फोकस हो जाइए और किसी की सुनिए। सेकेंड थिंग, दूसरी बात आती है थोड़ी सी हमारी विजन। हमेशा जब भी आप जो ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हो तो उस ऑब्जेक्टिव में एक विजन आप सेट करो, आपको ड्रीम देखना पड़ेगा। जब तक आप देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक आप यहां कभी नहीं पहुंच सकते। प्रोजेक्शन को आपको पहले से सोचना होगा, दिमाग में बिलीव करना होगा, फील करना होगा। जब आप वो कर पाएंगे तभी आप वो अचीव कर पाएंगे। एक ही पॉसिबिलिटी है, छोटी सी ऑडियो क्लिप है, तो जरा देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा जिसको आपने इमेजिन करना है, और उसके बाद में अगर अंदर से आवाज आए तो खुल करके सेलिब्रेट करना है, मतलब अपनी सीट पे उछलना है, कूदना है, तालियां बजानी है, हंसना है, रोना है, जो मन कर रहा है वो करना है, लेकिन खुल के करना है। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं आप, तो सिचुएशन ये है कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा सपना होता है जिसके लिए वो जी रहा होता है, जो उसके मन में होता है कि अगर ये सच हो गया तो बस मजा आ जाएगा यार, लाइफ में मजा आ जाएगा। आपकी लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर पे जाना हो, आपको हो गया लाइफ में एक बार मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है, हो सकता है कोई बहुत छोटा सा सपना हो कि एक मेरा अपना घर हो जहां पर मेरी फैमिली हो, मेरे पेरेंट्स हो, किराए का ना हो, अपना घर हो जहां पर मैं सबके साथ में हूं और खेल रहा हूं, चाहे छोटा सा हो, एक बेडरूम का हो, दो बेडरूम का हो, लेकिन अपना घर हो। वो हो सकता है कि मेरा अपना एक बिजनेस हो जहां पर मैं बैठा हूं, मेरा कैबिन हो और बाकी सब पूरी टीम हो और मैं अच्छे से एक बिजनेस कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है आपका वो सपना, उसको याद करने की कोशिश करो और अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में कि अगर आपका सपना है वर्ल्ड टूर का, तो इमेजिन करो आप स्विट्जरलैंड में हो अपनी फैमिली के साथ में और आप घूम रहे हो। अगर बिजनेस है तो इमेजिन करो आप एक चेयर पे बैठे हो जहां पर आसपास पूरी आपकी टीम बैठी है और आप मीटिंग ले रहे हो, आगे का प्लान बना रहे हो कि मैं क्या करूंगा। आपको एक चीज और समझनी है कि इस टाइम पे वो पावर जो सपने को सच कर सकती है, सिर्फ वो एक पावर, चाहे आप उसको भगवान बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, चाहे बिलीफ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो अभी इस मोमेंट में आपको देख रही है, आपको देख रही है। तो अब जो लोग आंखें खोलने के बाद में अपने पूरे मन से सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनका वो सपना सच होगा, जो बेमन के करेंगे उनका कभी नहीं होगा, मेरे से लिखवा करके रख लो, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। कि अगर आप उसको सेलिब्रेट करने लग गए तो ऑटोमेटिकली सच हो जाएगा, अगर रोज इस चीज को करने लग जाओ अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। विजन को डिसाइड करो कि मेरे को ये करना है, आपका इंस्टीट्यूट यहां से यहां तक पहुंचा है, तो शायद उस समय किसी का विजन, टीम का विजन, कई लोगों का विजन रहा होगा, तब चीजें यहां तक पॉसिबल है आई है। तो आपको भी अपने करियर में अपना विजन सेट करना है कि भाई ठीक है, मतलब सीए डिसाइड कर लिया, सीएस डिसाइड कर लिया, एमबीए डिसाइड कर लिया, बिजनेस डिसाइड कर लिया, अब उसी को फील करना है और उसी को जीना है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो सीए में एंटर होते ना, तो अपनी बुक पे नाम लिखते थे सीए, बने नहीं थे, अभी एंट्री में आए थे केवल,
बट वो पहले ही फील करते थे सीए हम तो सीए बन चुके हो गया हमारा सीए कंप्लीट। तो जिस दिन आप ये फील करना शुरू करोगे ना ऑटोमेटिकली चीजें आपके साथ अपने आप अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। और जहां आप सोचोगे ये बर्डन है यार हमारे ऊपर पता नहीं पढ़ाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो वो चीजें कभी सक्सेसफुल नहीं होंगी। ठीक है ना, सबको समझ आया कुछ? ठीक है, अब थोड़ा कोर्सेज पे आ जाते हैं फटाफट से। तो दो चीजें ये दो मतलब आपने समझो एक की पॉइंट बताया मैंने दोनों आपको। पहला की पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, दूसरों की कभी मत सुनो, पहले एक बार अपना डिसाइड कर लो डिसीजन ले लो और उसके बाद उस डिसीजन को फॉलो करो। और दूसरी चीज उस चीज को जियो, आप हमेशा उसमें बिलीव करो कि यार ये मेरे को करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, हर्डल्स आएंगे, अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन वो अप्स एंड डाउन आ रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको अपना विजन क्लियर रखना है कि मेरे को ये करना है 101% मैं ऐसे करूंगा, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होंगी। ठीक है, चलो अब आते हैं फटाफट से अपने ग्रुप में। आपको कुछ कंटेंट मिले ना सबको, हम लोग कुछ सीओ सी एस के लिए मेनली रखा है सेमिनार, मतलब सीओ सी एस क्योंकि अपना इंस्टीट्यूट जो है वो मेनली इन दो चीजों में ज्यादा प्रॉपर्टी करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन सभी चीजों की मिलेगी, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो भी सीए में चलना है, इंटरेस्ट आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो प्रोसीजर है सीए का, पहले उसके बाद बात करेंगे थोड़ी सी। सीए आपका तीन स्टेजेस पे है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है आपकी फाउंडेशन, सेकंड स्टेज होती है आपकी इंटर, है ना, आईपीसीसी जैसे हम लोग बोलते हैं, वो आईपीसीसी एक्चुअली पहले हुआ करता था, नाम चेंज हो गया है, वो इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। और तीसरा लेवल होता है आपका फाइनल। तो सबसे पहले जैसे आप ट्वेल्थ पे रहेंगे, ट्वेल्थ पे रहेंगे तो सबसे पहले आप क्या देंगे, फाउंडेशन का एग्जाम देंगे। सीपीटी जो है वो पुराना फॉर्मेट था, वो अब खत्म हो गया है, उसी में फाउंडेशन की वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो फाउंडेशन जो है उसमें आपका एंट्रेंस लेवल एग्जाम है। अब लोग ट्वेल्थ करके जा रहे हैं, जो ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स हैं आपके वही सब्जेक्ट्स को सीए अपनी एंट्री पे लेगा। तो बाकी आ रही है एंट्रेंस कराई जो रही है ट्वेल्थ वाली सारी चीजें। एंट्रेंस कराने का मेनली उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, यहाँ पे वो आपकी ट्वेल्थ की स्टडी को कंसिडर नहीं करते। अच्छा होता है ना, जब हम किसी कोर्स में जाते हैं तो क्या होता है वहां पे लास्ट पिछले कोर्स के आपके परसेंटेज देखे जाते हैं, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। इंस्टीट्यूट कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्वेल्थ तक महानालायक सही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आर्ट साइंस और कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इस एंट्री लेवल पे आ सकता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एंट्री लेवल एग्जाम आपका ट्वेल्थ के लिए ट्वेल्थ के बेसिस जैसा ही रखा हुआ है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट्स उसमें आपके सारे कॉमर्स से रिलेटेड ही है, तो जो आर्ट का है उसको बेसिक चीज अगर सीधी पड़ेगी तो उसका एक तरह से ट्वेल्थ हो जाता है ना। तो एंट्री लेवल है केवल, एंट्री लेवल में जो आपका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में क्या है, दो बार एग्जाम होते हैं साल में। अभी आपका पहला एग्जाम होगा कब, आपके एचसी के एग्जाम के बाद, ठीक है ना, मई में, और अगला एग्जाम होगा नवंबर। आप लोगों के लिए जो ऑप्शन है वो नवंबर का रहेगा, क्योंकि आप लोग ट्वेल्थ जस्ट करेंगे उसका रिजल्ट आएगा आपका जो नवंबर के लिए आप लोग एप्लीकेबल रहेगी। इसके बाद आपका दूसरा लेवल आता है इंटरमीडिएट का, जब आप फाउंडेशन क्लियर करेंगे तो फाउंडेशन के बाद आप इंटरमीडिएट में जाते हैं। इंटरमीडिएट जो होता है आपकी मेन सीए की एजुकेशन यहीं से शुरू होती है, असली पढ़ाई यहीं से। आप जो अभी पढ़ेंगे फाउंडेशन में वो क्या होगा, बेसिक ट्वेल्थ, ये हायर स्टडी करेंगे। इंटर में क्या होता है, इंटर में आपके दो ग्रुप होंगे, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, चार चार पेपर दोनों में है, वो आपको क्वालिफाई करनी है। आपके लिए आप अपनी आर्टिकलशिप में एंटर करें। आर्टिकलशिप क्या चीज है पता है किसी को, आर्टिकलशिप क्या होती है, ट्रेनिंग। आपको पता है सीए की जो एक डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा क्यों है और कोर्सेस से, मतलब कहते हैं ना सीए बन गया ना मतलब चंगा ही चंगा, मतलब सब चंगा सी हो जाता है, सब चंगा सी क्यों, क्यों और कोर्सेस के कंपैरिजन में क्यों ऐसा है, उसमें मेन रीजन है आपकी आर्टिकलशिप। एक अकेला ऐसा कोर्स है जो आपको तीन साल तक यही सिखाएगा जो आपको करना है। प्रैक्टिकल तो है ही है, वो सब तो पढ़ना ही है, बट प्रैक्टिकली आप वही चीज सीखेंगे जो आप करेंगे। सीए में भी वैसे ही है और सीएस में भी वैसे ही है। सीएस में भी जब आपकी वो 15 महीने की ट्रेनिंग रहती है उसमें आपको सारी चीजें वही सिखाई जाती है जो आपको एक्चुअली करनी है, ठीक है ना। तो ये मेन चीज है जो आपकी आर्टिकलशिप में होती है, तो वो तीन साल की ड्यूरेशन आपको कंप्लीट करना है, आईसीसी का फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं। तो वो क्लियर करने के बाद आपकी आर्टिकलशिप जो आप तीन साल की कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट आप सीए फाइनल में एंटर होंगे। सीए फाइनल में भी आपके दो ग्रुप है, चार चार पेपर, और वो जो आप क्वालिफाई करेंगे आफ्टर दैट आपका सीए कंप्लीट होगा। ये ड्यूरेशन लगभग 4 इयर्स to 5 इयर्स के बीच में बैठती है अगर आप थ्रू आउट जाते हैं तो, ठीक है। इसमें क्या है, अटेम्प्ट आपके हर 6 मंथ्स में होते हैं, अगर बाई चांस कभी फेलियर होता भी है तो आप 6 महीने बाद फिर से एग्जाम दे सकते। तो बताया पासिंग का क्राइटेरिया क्या होता है सीए का, 50% नहीं, पासिंग का क्राइटेरिया नहीं, पासिंग परसेंटेज नहीं पूछ रहा, पासिंग का क्राइटेरिया मतलब आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के कितने मार्क्स चाहिए कि आप एग्जाम पास माने जाओगे, 50%। तो ट्वेल्थ का है टारगेट सबसे डिसाइड किया होगा परसेंटेज का, है ना, 80+ आएंगे, 85+ आएंगे, 90+ आएंगे, 95+ आएंगे,
कितने प्लस की वाले बात कर रहे हैं, और सी वाले कह रहे हैं 50% ओनली, और उस तक पहुंचने में पूरी ननिहाल याद आ जाती है, नानी तो छोड़ो पूरी ननिहाल याद आ जाती है, फैक्ट है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, जो इंस्टीट्यूट ने मेंटेन किया हुआ है, वो कई सालों से वही है, वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो गया। हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा स्केल है, हमारा लेवल है, हम जैसे चाहेंगे, जिस लेवल के स्टूडेंट चाहेंगे हम उतने स्टूडेंट निकालेंगे बस। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि वो स्टैंडर्ड आज भी मेंटेन है, ठीक है ना। और जो प्रोफेशन है उसकी तो बात ही है, आपको सबने सुना ही होगा, क्योंकि कॉमर्स के फील्ड में तो सबको बताओ, एक बार आर्ट साइंस वाले होते शायद नहीं जानते होते। सीएस बेसिकली कौन होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, उनकी जो पोस्ट है वो लीगल पर्पस के लिए, आपको पता ही होगा कि हमारे जो बिजनेस होते हैं, उन बिजनेस में जो बड़े बिजनेस के फॉर्मेट्स होते हैं वो कंपनीज के फॉर्म में बनते हैं, है ना। छोटे मोटे बिजनेस आप कर रहे हो, दुकान खोल ली, पार्टनरशिप खोल ली, प्रोप्राइटरशिप खोल ली, और बड़ी फॉर्म में क्या होता है, कंपनीज होती है। तो कंपनीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चलाने वाले कोई और होते हैं, पैसा किसी और का होता है, सबको बनाने वाले बन। तो जब चलाने वाले कोई और है, पैसा किसी और का है, तो जो चलाने वाले वो जारी क्यों करेंगे, तो कोई भी जारी करेंगे ना, अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ और पैसा मैंने किसी और का लगा रखा है तो मैं अपने साथ शेयर करूँ ना कुछ भी। तो गवर्नमेंट भी ये कहती है कि भाई आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे बंदे को अपॉइंट करना है जो लीगल जितने भी प्रोसीजर्स है वो कैसे फॉलो करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, आप उसके साथ डिस्कस करेंगे और उसकी कंसेंट के साथ ही वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो एक लीगल पोस्ट बनाई गई है कि किसी भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है, जो वो सारी चीजों को देखेगा कि कंपनी का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, सारी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सीएस का अपॉइंटमेंट होता है। सीएस के अंदर ये तीन लेवल है आपके, फाउंडेशन है, उसके दूसरे वीकली पीरियड मिला होगा, उसमें सीएस का दिया होगा आपको सारे डिटेल, ठीक है। फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बाद आपका एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के बाद आपका प्रोफेशनल, ये तीन लेवल आपको वैसे ही है जैसे सीए के अंदर है, ठीक है। तो ये दो मेनली आपके लेवल्स हैं। कुछ लास्ट रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि ये आप ही के सर्वोदय के सब स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, आज आप जहां बैठे हुए हैं शायद ये भी वहीं बैठे थे पहले, और वहां से बैठ के आज ये यहाँ देख रहे हैं। लास्ट जो अटेम्प्ट था उसके रिजल्ट का है, स्पर्श जैन, कुछ लोग जानते भी होंगे, है ना, यहीं का स्टूडेंट स्पर्श जैन, और प्रिपरेशन की, फाउंडेशन की, और आप रिजल्ट देखो कितने मार्क्स आए, ऑल इंडिया 44 रैंक रही, मतलब जहाँ पे 50% मार्क्स पे क्वालिफाई करते थे वहाँ पे ऑल इंडिया में 44 रैंक, बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल मुझे याद है कि फिरोजाबाद में पहली ऑल इंडिया रैंक हम लोगों ने ली, हर्षित गुप्ता के स्टूडेंट था, तो उसी हो चुका, तो फर्स्ट रैंक उसकी थी, आउट ऑफ 200 उसके 180 मार्क्स आए थे, 90% उस पर उसकी ऑल इंडिया 11th रैंक थी, AIR 11, तो स्पर्श की रही इस बार 44 लास्ट बैच में। और भी काफी स्टूडेंट हैं, शिवम गुप्ता 297, महक मित्तल, नैना शर्मा, ये उसी जिस दिन इनका सेलिब्रेशन था, पार्टी थी, उसी दिन सीए फाइनल के रिजल्ट भी डिक्लेयर होते हैं, उसमें हमारे सुरभि जैन मैम थी, ये अपने आरएनटी में भी रही है काफी टाइम तक, कोचिंग के बहुत सारे पेपर्स ड्राफ्ट करने में, सीए के जो एग्जाम्स होते हैं वो कराने में, उनका भी सीए कंप्लीट हुआ था, स्वप्निल मित्तल थे उनका, और ये आपकी सेलिब्रेशन पार्टी है सीए सीएस के लोगों की, तो बड़ा सेलिब्रेट किया था उन्होंने, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, 100% रिजल्ट रहा था फाउंडेशन में पहली बार, ठीक है। तो सब कुछ मैं आया सीए सीएस के बारे में थोड़ा सा, बाकी करना क्या है, कैरियर ऑब्जेक्टिव सबने डिसाइड करने हैं सभी लोगों को, अच्छा लगा, ये एनर्जी होनी चाहिए और यही एनर्जी रहनी चाहिए, है ना। तो सभी को इसी एनर्जी को बनाए रखना है, 12th एग्जाम बढ़िया से करने हैं, और अपना माइंड सेट बनाना है और उस माइंड सेट पे काम करना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आगे आने वाले 5 साल और 50 साल की ध्यान रखना, 5 साल मेहनत, आगे आने वाले 50 साल एंजॉय, 5 साल एंजॉय, आगे आने वाले 50 साल में हम चलने वाले, डिसाइड कर लो क्या करना है।